नमस्कार, मैं सुशील त्रिपाठी दैनिक भास्कर .com से, और मेरे साथ बात साइबर सिक्योरिटी पे बात करने के लिए हैं पैलेडियन ग्रुप नेटवर्क के CEO सुनील कुमार गुप्ता जी। तो सर, साइबर सिक्योरिटी जो है आज के डेट में एक मेजर चैलेंज है, न केवल इंडिया के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसमें IT सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सर, IT सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ किस तरह से काम कर रही है इस चैलेंज से निपटने के लिए? पहले तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि IT सेक्टर क्या कर रहा है। IT सेक्टर सारे बिजनेस, जितने भी सारे बिजनेस हाउसेस हैं, इफ़ यू सी इंडिया में देखिए या बाहर देखिए, उन सब की कॉमन प्रॉब्लम है कि एक तो ग्लोबलाइजेशन है, राइट? हर आदमी हर जगह पे होना चाहता है, राइट? आप कभी आज यहाँ हैं, आपका कभी यहीं हैं, तो आपको हर जगह पे जहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, राइट? और तीसरी, आपको चाहिए कम कॉस्ट में चाहिए। तो इस वजह से जो IT सेक्टर है वो क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है, वेदर इट मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वेदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, वेदर क्लाउड टेक्नोलॉजी है, अब IoT टेक्नोलॉजी। तो IT सेक्टर कॉन्टीन्यूसली जो है वो जो बिजनेस की, जो आम मरा की लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको सॉल्व कर रहा है। तो जब वो ये कर रहा है, उसके साथ में वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। जब हम कहते हैं ना साइंस के एक, जबकि वो एक देन भी है और एक एक, तो ये IT सेक्टर भी एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है कि जब वो एक तरफ तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरी तरफ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सारा डेटा कंप्यूटर में है, सारा डेटा ईजिली अवेलेबल है, तो वो किसी को भी अवेलेबल है, वो हम ही को नहीं अवेलेबल है, वो किसी बाहर वाले को भी अवेलेबल है। सो इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जब डेटा क्लाउड पे अवेलेबल है, मोबाइल पे अवेलेबल है, बट कैसे हम उसको कंट्रोल करें कि वो किसी गलत हाथ में ना जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखेंगे सब कॉमन प्रॉब्लम है। एक चीज़ और है कि इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग डिमांड आती है, तो उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? देखिए, स्टेक होल्डर्स में कई सारे हैं। गवर्नमेंट है, राइट? गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर है कि क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अब नया रेगुलेशन आ गया है कि डेटा प्राइवेसी, लॉ प्राइवेसी, तो हम लोगों को कैसे, हम लोगों को यू नो ऑनलाइन पेमेंट दें, ऑल सब सुविधाएं प्रोवाइड करें, बट सेम टाइम हम उनके जो डेटा को प्रोटेक्ट करें। तो एक स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कि लॉ कैसा बनाए, प्राइवेसी लॉ, डेटा प्रिवेंशन, लॉस प्रिवेंशन लॉ, और हम बट एट द सेम टाइम हम लोगों को, लोगों की ज़रूरतों को कम ना करें जो उनकी डिमांड्स हैं। तो एक ये स्टेक होल्डर है। फिर दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके कई सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में भी, अब ग्लोबल 100 कंपनीज भी हैं, तो उसमें लाखों लोग काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग अभी मोबाइल में काम करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करें। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग हॉस्पिटल में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिजीज़ की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, वो डेटा बाहर ना जाए, बिकॉज एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हॉस्पिटल्स, तो अगर आप देखें, स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा हो गए आज के दिन, एवरीबडी इज़ अ स्टेक होल्डर फॉर साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, गवर्नमेंट की बात आई इसमें, तो गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी सेंटर खोलने की बात कर रही है, तो इसमें IT सेक्टर उनको किस तरह से हेल्प कर सकता है? और दूसरा, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं उनका क्या रोल होगा, इसे किस तरीके से IT सेक्टर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं? ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अब देखिए, अब बैंक्स हैं, इतने सारे बैंक्स हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े बैंक हैं, 4 तो नेशनल यू नो की बैंक्स हैं, सो हर बैंक के अंदर, अब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, हर आदमी डिफरेंट ढंग से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है उसको मैनेज करना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, और दिस राइट स्टेप, कि हम कैसे कॉमन एक सेंटर बनाएं, साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाएं, जहां से हम सारा डेटा लोगों को कलेक्ट करके हम उसको एनालाइज कर पाएंगे वो क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी थिंग है और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एक नेशनल लेवल के ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाना, और उसमें ही देखें, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एंड बेनिफिट उसमें यही है कि गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब देखें, वो RFP प्रोसेस है जो भी है उसके थ्रू वो करेंगे। बट आई थिंक इट्स हमारे ख्याल से द बेस्ट मेथड रहेगा जब वो PPP मॉडल जो हम कहते हैं, हाँ, उसमें जब प्राइवेट, पब्लिक एंड
पार्टिसिपेशन होगा जिसके अंदर, बिकॉज हर आदमी वेल गवर्नमेंट को लोग पॉलिसी बनाना और कंट्रोल करना ज़रूरी है, बट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी जो बाहर से आएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईटी सेक्टर का रोल बहुत अहम हो सकता है साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो इसमें स्टार्टअप्स की क्या संभावनाएं हैं, जो आईटी प्रोफेशनल हैं उनके लिए क्या स्कोप है, किस तरह के जॉब क्रिएशंस हो सकते हैं इसमें? ये साइबर सिक्योरिटी तो आज के दिन देखिए टॉप थ्री या चार में से, तीन या चार में से प्रोफेशन है, राइट। और इसका कारण ये है कि हर रोज़ डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, राइट। सो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैक करने की यू नो प्रॉब्लम्स हैं। सो आईटी सेक्टर में देखिए आज के दिन इतनी सारी न्यू कंपनीज आ गई हैं, स्टार्टअप कंपनीज जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही हैं, एंड सो नए नए सॉल्यूशन, नई नई यू नो टेक्नोलॉजी लाना और नए नए ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसको बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कई लोग क्या कर रहे हैं जैसे कि प्रॉब्लम कैसे प्रिवेंट करें, और क्या कुछ लोग दे रहे हैं हम प्रॉब्लम को कैसे, एक बार हो जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। सो आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन तो आज के दिन यंग जनरेशन के लिए। अभी तो देखिए अब क्या हुआ, पिछले दो तीन साल के अंदर MBA के अंदर साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जा रहा है, MTech कोर्सेज के अंदर साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जा रहा है। इन्हें पिछले तीन सालों में बैंगलोर के अंदर कम से कम 30 से ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो इंडिया का स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से किस तरह से मैच करता है? सी ग्लोबल स्टैंडर्ड और इंडिया स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिया ने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटलाइजेशन के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस किया लास्ट फ्यू ईयर्स में। सो ये ज़रूर है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर बिकॉज बहुत जो नई कंपनियाँ एडवांस कंपनीज हैं वो सारी विदेश में हैं, सो वहाँ थोड़ा एक साल या दो साल या मैक्सिमम दो या तीन साल वो थोड़ा हमसे आगे हैं। बट मैं आपको बता सकता हूँ विद डेटा दैट कि लॉट ऑफ जो बहुत सारे सॉल्यूशंस आज हमने बनाए हैं वो सेम टाइम में इंडियन कस्टमर्स और US कस्टमर्स सेम टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो गैप बहुत कम हो गया है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारा लॉ जो है प्राइवेसी साइबर सिक्योरिटी जो है वो आज प्रोबेबली ग्लोबल लॉ से बेटर है या एट द सेम लेवल पे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पैलेडियन नेटवर्क के CEO सुनील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पे आपको ज़रूरी जानकारी दी। थैंक यू सर।